हाय, मैं हूँ विलिशा एंड आज मैं हूँ बोलबोल बॉलीवुड के साथ एंड वी गोइंग टू डू अ सेगमेंट कॉल्ड अधूरी बातें मेरे साथ। यहाँ पे बहुत सारी चिट्स है, हाफ फ्रेज लिखा है जिसको मैं कंप्लीट करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम जब मैंने ड्रिंक किया तब शायद सपने में था। लास्ट टाइम मुझे इसलिए गुस्सा आया था क्योंकि गुस्सा नहीं, थोड़ा इरिटेट इसलिए हुई थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा आर करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था तो मैंने मना कर दिया था। आज मैं खाने में बहुत सारी चीजें लेकर आई हूँ जिसमें से सूप है, आलू की सब्जी है, पूरी है। हेली की एक बात ये शायद नहीं पता होगा किसी को, मुझे ग्रोसरी शॉपिंग बहुत ज्यादा पसंद है। घर का सामान और घर की जो भी हम राशन बोलते हैं, मुझे ग्रोसरी शॉपिंग में को बहुत बहुत मजा आता है। सभी आप सब आए उससे पहले मैं फोन में कुछ चीजें अपने घर के लिए ग्रोसरी शॉपिंग ही कर ली थी। या अगर मैं एक्टर नहीं होती तो पहले ऐसे था कि मैं डॉक्टर होती, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक्टर ही होना था। इट वॉज देयर इन माई डेस्टिनी। मेरा पहला क्रश आई थिंक स्टैंडर्ड 7th या 8th में करता था। ऑडिशन वाले दिन मुझे काफी ऐसे नर्वसनेस होती है, धक धक होता है, आज भी होता है। चाहे मैं कितनी भी कॉन्फिडेंट रहूं, मुझे हल्का सा वेग रहता है। मेरे बारे में गलत अफवाह, आई थिंक लास्ट ईयर कोई अफवाह थी कि मैं बिग बॉस में जाने वाली हूँ, विच वॉज नॉट ट्रू। सो मुझे मेकअप करना कभी कभी अच्छा लगता है, डिपेंड्स ऑन माई मूड। कभी मेरा मूड होता है तो मुझे बड़ा मजा आता है, कभी मेरा मूड नहीं होता तो मैं नहीं करती हूँ। मैं मेकअप दादा को बोलती हूँ प्लीज कर लो, बड़ा बोर हो रहा है। जब मैं 5 साल की थी तो शरारती बिल्कुल नहीं थी और खाती नहीं थी, सिर्फ फ्रूटी पीती थी और काफी क्यूट थी। मेरी फेवरेट को स्टार है करुणा पांडे जी, जिनके साथ मैंने देवांशी में काम किया था। मैंने उनसे बहुत सारी चीजें सीखी थी। सुशी इज वन ऑफ माई फेवरेट को स्टार्स। आमिर दलवी, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम एज वेल। तो मुझे बड़ा मजा आता था कि यू नो जब कभी सीन होते थे उनके साथ, बिकॉज दे आर वेरी सीनियर्स एंड आप यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम। एंड इस मेरा भी इस शो में मैंने रामगोपाल बजाज सर के साथ काम किया और आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंसेस, बिकॉज हम शूटिंग के अलावा बहुत सारी बातें करते थे एंड ही यूज्ड टू शेयर हिज एक्सपीरियंसेस थिएटर के और उनकी फिल्म्स के एंड ऑल ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस। सो या मेरी फेवरेट ड्रिंक, आई डोंट ड्रिंक बट आई थिंक वैसे ड्रिंक बोले तो ग्रीन टी छास मुझे अच्छी लगती है, ब्लैक कॉफी। मुझे कुकिंग करना ओकेजनली अच्छा लगता है बिकॉज टाइम नहीं मिल पाता इतना तो कुक नहीं करते हैं, बट आई थिंक व्हेन आई डू आई थिंक आई कुक प्रीटी डिसेंट फूड। तो मतलब हाँ, मेरा पहला ब्रेकअप नहीं हुआ है। मेरी पहली सैलरी आई थिंक अहमदाबाद में जब मैंने थिएटर किया था तो उसमें एक शो के कुछ 300 या 400 रुपए मिले थे। सो इन अ डे आई थिंक हमारे 2 या 3 शोज थे, आई थिंक अकॉर्डिंग हम देखे तो या तो 900 या 1200 के आसपास विच वॉज लाइक ह्यूज। अगर आप 5-6 साल की तो अब 5th-6th standard की लड़की को अगर ऐसे तो हाँ 1200 रुपये 900 रुपये इट वॉज अ ह्यूज अमाउंट, उतनी पॉकेट मनी नहीं होती थी यार। सो
सो आई हैड अ फन डूइंग दिस सेगमेंट, बड़ा मजा आया, काफी सारी बातें मैंने आप सबके साथ शेयर की, काफी कुछ एक्सप्लेन किया, बट आई होप कि आपको मेरे बारे में कुछ जानने को मिला होगा, कुछ नई चीजें, एंड आई होप यू ऑल हैड फन वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको अच्छा लगा हो देन डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू बॉलीवुड बॉलीवुड.